नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान दोस्तों का। आज का जो वीडियो है ये है देसी मुर्गी के बारे में कि अगर कोई भी किसान दोस्त जो हैं अगर अपने यहां पर देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो उनको 100 देसी मुर्गी पालन करने पर कितना खर्च लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें उनको विशेष तौर पर ध्यान देनी है मुर्गी पालन से, और वो 100 मुर्गियों से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके जो चूज़े हैं, चूज़े के बारे में बात कर लेते हैं कि ये चूज़े कहां से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके आसपास नज़दीक में आपको पता करना है कि हैचरी कौन सी है, नज़दीक में जो हैचरी है वहाँ से आपको चूज़े जो हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको चूज़े सिलेक्शन करते समय ये ध्यान देना है कि आप कौन सी ब्रीड का जो है चूज़ा सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देसी में भी बहुत सारी ब्रीड आ जाती हैं। जैसे कहा जाए तो क्रॉयलर का FFG चिक्स जो आता है, फिर वन राजा आ जाता है, तो कुछ इन बातों का विशेष ध्यान देना है आपको। चूजे का सिलेक्शन विशेष तौर पर ध्यान देना है। आप ये जो चूजे देख रहे हैं ये FFG चिक्स हैं, है ना, ये वन डे चिक्स का आप ले सकते हैं, उनके बारे में विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है कि चूजे का जो रेट होता है, चूजे का जो रेट नॉर्मली मिलता है वो 20 से 25 रुपए का होता है, जो आपको आसानी से आपके आसपास की हैचरी से मिल जाएगा। इन चूजों का पहले हफ्ते पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है किसी भी किसान को, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, ये चूजे बहुत छोटे होते हैं तो इनको प्रॉपर हीट की ब्रूडिंग की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे यहाँ पर मॉर्टिलिटी जो रेट है वो कम से कम हो। तो पहले हफ्ते पर आपको विशेष ध्यान देना है। वैसे तो देसी मुर्गी पर मॉर्टिलिटी रेट जो होता है वो ब्रॉयलर चिक्स की अपेक्षा कम होता है, परंतु अगर हम अगर इसमें विशेष ध्यान ना दें या इनको अच्छे से ना रखें तो ये बढ़कर 2 से 4% तक हो सकता है या हो जाता है। इसलिए पहले हफ्ते पर किसानों से अनुरोध है कि वो अगर देसी मुर्गी पालन करें तो पहले हफ्ते पर जो चूजे हैं उनका विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं इनके फीड के बारे में। इनका फीड जो है वो आप मार्केट पर जो उपलब्ध रहता है प्री स्टार्टर पहले हफ्ते पर दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके चूजे बड़े होते हैं उसके बाद जो है आप अपने घर पर ही मक्का बाजरा के साथ इनका फीड तैयार कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके जो फीडिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, है ना। मेनली जो किसी भी किसान के ऊपर जो भार आता है फीडिंग का ही रहता है, तो वो अगर आप अपने घर पर भी तैयार करते हैं तो उससे आपकी फीडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप क्या करें कि मक्के और बाजरे के साथ जो स्टार्टर फीड होता है अगर आप उसे मिक्स करके देते हैं तो आपका जो फीडिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं कि कितने दिनों में ये चूजे हैं आपके तैयार हो जाएंगे। तो नॉर्मली अगर आप ब्रॉयलर फीड पर इनको तैयार करते हैं तो 40 से 45 दिन में जो आपके मुर्गे हैं ये चूजे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, है ना। अपन नॉर्मली अगर इस फीड पर तैयार करके रखते हैं जो हमने सजेस्ट किया है आपको कि मान लीजिए मिक्स करके खिलाते हैं आप इन्हें, तो 50 से 60 दिनों में 1.5 से 2 किलो के आराम से हो जाते हैं, है ना। और मेरा सजेशन ये रहेगा फार्मरों के लिए कि भाई आप अपने फीड पर ही तैयार करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है परंतु आपका जो फीडिंग कॉस्ट है, खर्चा जो है पालने के लिए वो, है ना, कम हो जाता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बस टाइम लगेगा आपका थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, ब्रॉयलर फीड की तुलना पर देखा जाए तो। इसके बाद आपको देखना है कि इसका पालन कहाँ पर करना है। तो आप इसे नॉर्मली अगर आप अपने घर पर पालना चाहते हैं तो आंगन पर पाल सकते हैं, या जो बैकयार्ड फार्म होता है वो बनाकर इसका पालन कर सकते हैं, या आपके पास फार्म है इसका तो आप इसमें फार्म पर भी इसका पालन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बीमारियों के बारे में। तो बीमारियाँ जो होती हैं वो ब्रॉयलर मुर्गे की तुलना पर कम होती हैं, है ना, क्योंकि इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ब्रॉयलर चूजे को बचाने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और दवाइयाँ हमको बार बार उपयोग करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो मॉर्टिलिटी रेट होता है वो
अधिक होता है। तो इसमें बीमारियां कम होती हैं, तो बीमारियों में लगने वाले जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं, और ये इसका इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से ये बीमारियों से आसानी से लड़ भी लेता है। आसानी से आपको ये आपके जो एक्सटर्नल खर्चे हैं, दूसरे खर्चे, उनसे आपको इसमें बचत मिल जाती है। अब इसकी बात कर लेते हैं सेल के लिए, तो आपको अपने एरिया में इसकी डिमांड के बारे में पता करना है कि डिमांड कहाँ पर कैसी है ना। इसके सेल के बारे में जानकारी जुटानी है। बेचने के तरीके अलग अलग आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या लोकल एरिया रिसर्च कर सकते हैं, ताकि आपको आपके लोकल एरिया पर ही आपको मुर्गे जो हैं वो मिल सके, बेच सकें। तो 100 मुर्गों में आपको जो कॉस्ट लगने वाली है वो मान के चलिए 20 से 25 रुपए का एक चूजा पड़ेगा। तो वो फीडिंग मान के चलिए जो स्टार्टर पे स्टार्टर का है, जो भी आपके लोकल एरिया में उसकी कॉस्टिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। नॉर्मली आप सेट बनाकर भी आप इसे बैकयार्ड फार्म पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कोई भी पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।